हमने सीखा, किसी पर्यावरण के सभी जीव जंतु एक दूसरे पर और निर्जीव घटकों पर निर्भर रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र वातावरण के सभी जैविक और अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से बनी व्यवस्था या तंत्र है। लगभग सभी पौधे सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने तथा कई अन्य जीवों के लिए खाद्य अर्थात रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, अतः ये उत्पादक हैं। किसी पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक यौगिकों का बनना एवं उनका संग्रह उस पौधे का प्राथमिक उत्पादन है। एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक को छोड़कर सभी जीव उपभोक्ता हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार, जीव संख्या तथा ऊर्जा संबंधी आंकड़ों को पारिस्थितिक पिरामिडों के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का कुल प्राथमिक उत्पादन ही सम्मिलित जीव भार होता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में पौधे प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। पौधों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ताओं में खाए हुए भोजन का लगभग 10% ही जीव भार में बदलता है। जीवधारियों के शरीर निर्माण में काम आने वाले तत्वों का प्रकृति में चक्रीकरण होता रहता है। मुख्य शब्द कीवर्ड्स: पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक तंत्र, स्तर, पारिस्थितिक पिरामिड, जीव भार, पोषक पदार्थों का चक्र।